आप यूट्यूब इन्फ्लुएंसर है, मैं आपकी जाती जिंदगी में जाना नहीं चाहता हूँ। यूट्यूब इन्फ्लुएंसर अच्छे भी होते हैं, खराब भी होते हैं, इस्लामिक भी होते हैं, गैर इस्लामिक भी होते हैं। मेरा बिग यूट्यूबर से ये चैट हुआ था, पॉडकास्ट पॉडकास्ट बराबर ना। तो ये चीज है कि आप देखना चाहिए, आप यूट्यूबर, मैं भी यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर हूँ। आपके कितने मिलियन है फेसबुक पे? टिकटॉक पे 3.7 मिलियन है। टिकटॉक तो मुझे बैन कर दिया क्योंकि मैंने मैंने मेरे चाइनीज भाइयों की तरफ से क्या तुमने बैन ही कर दिया। तो एक अपने गवर्नर साहब के बेटे, मेरे बेटे, उनके बेटे ने परसों मेरी वीडियो ली, पॉडकास्ट ली, बोले अब्बा 1.5 मिलियन पूछ गया मॉर्निंग में आउट। बोले अरे काट दिए क्यों? मैं बोला भाई टिकटॉक और मेरी दुश्मनी, मेरी टिकटॉक से दुश्मनी ने टिकटॉक को मेरी से दुश्मनी है। आप समझे ना, आपके 1.5 मिलियन चंद घंटे में इनके बेटे के 1.5 मिलियन टिकटॉक पे फॉलोअर्स बहुत है, लेकिन वीडियो ही निकाल दिए क्योंकि मैंने मेरे भाइयों जो है ना वीगर मुस्लिम का सपोर्ट किया। आप भी सपोर्ट करेंगे आपको भी बैन कर देंगे, तो समझ के रहना। आप समझे ना? बिल्कुल। अच्छा, मैं इससे टिकटॉक से मैं हूं नहीं। आपके फेसबुक पे कितने इन्फ्लुएंस है, कितने फॉलोअर्स है? फेसबुक पे तकरीबन 1.5 लाख होने वाले हैं। 1.5 लाख होने वाले हैं। मेरे अभी 24 मिलियन हुए 2 दिन में, माशाल्लाह 24 मिलियन। तो मैं भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूं क्या? नहीं, बिल्कुल है। आपके यूट्यूब पे कितने? यूट्यूब पे 265K। 265, माशाल्लाह, मेरे 4 मिलियन अभी हो गए 2 दिन पहले, माशाल्लाह। मैं भी यूट्यूब इन्फ्लुएंसर हूं ना। तो मेरा पेशा है यूट्यूब इन्फ्लुएंसर, फेसबुक इन्फ्लुएंसर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, तकरीर इन्फ्लुएंसर, इन्फ्लुएंसिंग पीपल टुवर्ड्स अल्लाह। बराबर की नहीं? बिल्कुल। अभी आपका यूट्यूब इन्फ्लुएंसर का मौजू क्या है? इन्फ्लुएंसिंग टुवर्ड्स ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग, लेकिन व्लॉगिंग के बीच में कोशिश करता हूँ कि जो इल्म मुझे कभी हासिल हो आपकी वीडियो से, डॉक्टर इसरा साहब की वीडियो से, कोशिश करता हूँ कुछ। माशाल्लाह, लेकिन सही तो ब्लॉगिंग ही है ना? बिल्कुल। मैंने मेरे मेडिकल प्रोफेशन छोड़ दिया। तो ये तो है ना, अगर आप इन्फ्लुएंस करेंगे ब्लॉगिंग की तरफ, बेटर है कि अल्लाह की तरफ। भले आपका जो फॉलोअर आदि भी हो जाएंगे, 10% मेरी आपकी दरखास्त है, मेरी आपसे इल्तिजा है, आप इस्लामिक यूट्यूब इन्फ्लुएंसर बनो। मे भी आपके फॉलोअर्स 4 मिलियन से 1 मिलियन हो जाएंगे। आपकी जो आपको पैसा मिलता है यूट्यूब से? बिल्कुल मिलता है। मैं तो पैसा लेता ही नहीं हूं। मुझे कहते आप अगर फेसबुक पे एड लेंगे आपको $50,000 पर मंथ मिलेगा। अरे भाई, मुझे जन्नत जाने का $50,000। आप मुझे $50 मिलियन भी देंगे तो मैं एड नहीं दूंगा। मोस्ट ऑफ द सोशल मीडिया पे एड देना हराम है। आपके चैनल पे लड़की आ जाएंगी, छोटे छोटे कपड़े में आ जाएंगी। अरे क्यों मुझे जाने में जा रहे भाई? मेरे YouTube सोशल मीडिया पे नो मोनेटाइजेशन। कभी कभी किसने स्ट्राइक किया, अगर मैं ऑडियो इस्तेमाल किया विद परमिशन, उसके मैनेजर को पता नहीं तो कभी ऐड आ जाती, गलती से ऐड आ जाती। मेरे हिसाब से मैं भी सोशल मीडिया में आई एम ए एक्सपर्ट इन सोशल मीडिया, माशाल्लाह। नो ब्लॉगिंग, ओनली लॉगिंग टुवर्ड्स अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। और जरूरत ही नहीं, अल्लाह ताला मुझे रोज लाखों देता है तो क्यों मैं यूट्यूब से लूं भाई? यूट्यूब से हराम कमाई हराम है। यूट्यूब के एड से अगर आप कमाते हैं, वो एड में लड़की आ जाएंगी, म्यूजिक आ जाएंगी, ये आ जाएगा वो, आप उसको मैं भी आप अल्कोहल एड को बैन करेंगे। लड़कियां तो बैन नहीं कर सकते ना, कर सकते क्या? नहीं कर सकते। अपने माशरे में पीडोफेलिया फैलेगा इसके वजह से। आप समझ रहे ना, हर इंसान समझता मैं तो इस्लामिक हूं। कमाने का यूट्यूब इन्फ्लुएंसिंग बहुत कम, कमाना तो छोड़ दो, मैं कमा सकता हूं। 24 मिलियन फॉलोअर्स है, बराबर ना। मेरे इसमें कोई भी मेरी कॉपी कर सकता है फ्री में। मेरे यूट्यूब के जरिए कितने लोग $10,000 $50,000 पर मंथ कमाते। थंबनेल पे क्या डालते? फोटो डाल देते लड़की का, मेरे इसके पर 5 लाख, उसके इस पे 2 मिलियन। मैं सवाब कमाऊंगा ना, वो क्या कमाएगा? पैसा, पैसा और नरक। मैं बोला नो कॉपीराइट, पैसा तू कमा भाई, मुझे अजर कमाने दे।
मैं अगर हिट करूंगा ना उसका पैसा मेरे पास आ जाएगा, बराबर कि नहीं? मैं बोलता हूं नो कॉपीराइट। जाकिर नाइक ऐश्वर्या राय, ये ऐश्वर्या राय कौन है? गूगल करूंगा, अरे बॉलीवुड की एक्ट्रेस है, मुझे क्या पता, समझे ना? मेरा वीडियो लेते हैं, लेकिन मैं क्या बोलता हूं, मेरे वीडियो के ऊपर शैडो बैन, शैडो बैन पता है? शैडो बैन है। मैं बोला भाई काम करो, पैसा कमाओ, मुझे सवाब मिलने दो, मैं रिलीज करता हूं मेरा वीडियो। पहले 100,000, 1,000,000, अभी 2,000, 3,000, अभी पाकिस्तान में माशाल्लाह बढ़ गया, 1,00,000, 2,00,000 हो गया, क्योंकि हिट बहुत है। तो मैं बोलता हूं मैं तुम लोग कमाओ पैसा, मुझे सवाब कमाने दो। वी आर स्पेशलाइज इन सोशल मीडिया, हम सोशल मीडिया में स्पेशलाइज्ड है। किस तरीके से थंबनेल बनाना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फेसबुक, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, मैं कहता हूं मैं अल्लाह इन्फ्लुएंसर हूं, अल्लाह सेंटर्ड। मेरी आपसे इल्तिजा है, मेरी आपसे दरखास्त है, मैं मोहब्बत से मेरे भाई अब्दुल बासित, अल्लाह की तरफ लोग को, अल्लाह ने अगर आपको हुनर दिया है इन्फ्लुएंस करने का, अल्लाह की तरफ इन्फ्लुएंस करो, इंशाल्लाह आपकी फॉलोइंग डबल ट्रिपल हो जाएंगी, इंशाल्लाह। और अल्लाह आपको रिस्क देगा, जो रिस्क है आपके इसमें आएगा, कौन निकाल नहीं सकता है? अल्लाह देखता है हराम का रिस्क है, हलाल का रिस्क। आप समझते कि आप ऐड बंद कर जाएंगे तो रिस्क बंद हो जाएंगी, ऐड बंद करो रिस्क डबल हो जाएंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ताला के बहुत से दरवाजे खुलेंगे। आप बोले आप मुझसे इन्फ्लुएंस है, बिल्कुल सही, टोटल इन्फ्लुएंस नहीं हुए। अगर टोटल इन्फ्लुएंस होते थे तो इंशाल्लाह आप डॉक्टर इसा अहमद से इन्फ्लुएंस है। आप अगर डॉक्टर इसा अहमद को बोलेंगे ब्लॉगिंग कर रहा हूं, खुश होंगे वो? बिल्कुल भी नहीं। येट अल्लाह आपको हिदायत दे, अल्लाह आपको अजर दे, आप अच्छा काम कर रहे हैं इंशाल्लाह। खाली थोड़ा ट्विस्ट लेके आइए, तो जिसने मेरा पॉडकास्ट किया जो भी किया है मैं उसको भी हिदायत दी। नहीं नहीं डॉक्टर साहब मैंने भी नया चैनल इस्तेमाल किया, मैं अच्छी बात है करो भाई। एक दिन में 1.2 मिलियन, एक दिन में कितना? 1.2 मिलियन व्यूअर मेरे बेटे ट्रैक कर रहे थे। 2 दिन में 2 मिलियन, अब भी पॉडकास्ट लिया, मलेशिया आए थे मेरे पास लेने के लिए। हाँ लो भाई, चलो भाई पाकिस्तानी है, मोहब्बत करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी 5 मिलियन के ऊपर हो गया एक हफ्ते में, एक दिन में 1.2 मिलियन। जी मैंने वो वीडियो देखी है, अच्छी है क्या? अच्छा लग रहा है 1.2 मिलियन एक दिन में, 24 घंटे से कम, अच्छा है कि नहीं? मैंने खुद यही सोचा था कि आपका अकाउंट जो है शैडो बैन है, क्योंकि दूसरों को इतने व्यूज मिल रहे हैं आपको उतने। हाँ नहीं, मेरा चैनल बैन है, महीने बैन है, टिकटॉक पे मैं बैन हूं, टिकटॉक पे पूरा बैन, क्योंकि मैं मेरे भाई जो है ना चाइना में, मेरे लिए दिन उनका है। टिकटॉक बैन करेंगे क्या फर्क पड़ता है, अल्लाह मुझे बैन नहीं करना चाहिए, बराबर ना? बराबर। मैं बात नहीं करना चाहता हूं, हमारे देश के मुसलमान देश के जब प्राइम मिनिस्टर से पूछते विगर मुस्लिम के बारे में, हमको पता ही नहीं। अरे कैसे पता नहीं आप अगर मुसलमान देश के प्राइम मिनिस्टर है, आपसे पूछा जाता है वीगर मुस्लिम के बारे में, आपको बोलता पता ही नहीं, क्या हो गया हमारे माशरे को? अगर हमारे भाई वीगर मुस्लिम उन पे जूम हो रहा है, आप बोलते पता ही नहीं? जब मैं डंकी की चोट पे उनको सपोर्ट किया मलेशिया में, टिकटॉक पे बैन नहीं करते किसको, पता है ना? जाकिर नाइक को, तो मेरा गर्व से अच्छा माशाल्लाह, शैतान ने मुझे बैन किया अल्हम्दुलिल्लाह। वहां के दरवाजे बंद थे, यहां के दरवाजे खुले। अल्लाह ताला टेस्ट करता है आपको, अल्लाह ताला इम्तिहान लेता है आपकी, इम्तिहान लेता है भाई, मैं टेस्ट करूंगा आपको क्या करने का। अल्लाह अल्लाह सेंटर बनो, लोग को अल्लाह की तरफ लेके आओ, अल्लाह इन्फ्लुएंसर बनो, इंशाअल्लाह दुनिया में फायदा होगा कि नहीं होगा, आखिरत में तो आपकी जन्नत कन्फर्म है।